अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़वा भिंडी, और इसके लिए हमने लिए हैं हाफ प्याली ऑयल की। उसमें मैं ये डालूंगी एक प्याज, बड़ी साइज के लिए मैंने इसको हम करेंगे लाइट गोल्डन कलर करूंगी, मैं लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो फिर मैं इसमें और चीज़ें डालूंगी। ये लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी एक खाने का चम्मच चॉप्ड हुए हुआ लहसुन, इसको थोड़ा सा हम इसके साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये जीरा डालूंगी, ये तकरीबन एक चाय का चम्मच है। सभी हल्का हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी भिंडी है, ये तकरीबन एक किलो भिंडी है, इसको मैंने इस शेप में काट लिया है, इस शेप में काट लिया है और इस साइज की काटी है मैंने। अब मैं ये सब इसमें डाल दूंगी, तो हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। भिंडियों को अपने साइज के मुताबिक भी काट सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कि आपको क्या साइज चाहिए भिंडी के। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो 5 मिनट तक हम चमचा चलाएंगे ताकि इसका ये अपना अच्छे से थोड़ा सा सिक जाए। लीजिए, 5 मिनट तक हमने भून लिया इसको, और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें। अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कि आप लोग कितनी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी सी मैंने रोकी है, ये तकरीबन मैंने ली है ये एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इसके साथ भी डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी नमक हल्दी जायका, जितनी आपको ज़रूरत है, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, और ये झटपट तैयार हो जाती है हमारी रेसिपी। 10 मिनट में ये हमारी ये भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं। मैं इसे हल्की आंच पे 5 मिनट को ढक के रखूंगी, तो मैं ढकना लगा देती हूँ 5 मिनट को, 5 से 7 मिनट को हम इसे ढक के रख देंगे हल्की आंच पे। लीजिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम हटा के देखते हैं। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था तो फिर भी ये देखें कितने अच्छे से गल गई है, इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये अपने से पानी जो होता है इसका अपना उसी से गल गए। अब मैं इसमें डालूंगी ये एक चाय का चम्मच मैं इमली का डालूंगी इसमें, और इसे मैं मिक्स करूंगी। देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन तैयार हो गई, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें हम, वरना इसमें टूटने का डर रहता है। लीजिए, हमारी ये बेहतरीन सी भिंडी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।